रख दो। लाओ लाओ भाई। चाची वो मैं मामूजान के घर चली जाऊं, उनसे मिलने के लिए। असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो मुझे भी पता चला है वो बीमार हैं, तो मैं मिलकर आ जाती हूँ। अभी तो तुम पिछले हफ्ते गई थी। अभी फिर जाने के लिए तैयार हो गई? चानी घर पे नहीं है, वो आ जाए तो चली जाना उसके साथ ही। नहीं नहीं बेटा, जाओ जाओ, जरूर जाओ, 100 दफा जाओ, बल्कि कासिम साहब को मेरा खास सलाम कहना। उनसे कहना बड़ी देर हो गई, हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनके दर्शन नहीं हुए। किस दिन आए दुकान पे चक्कर लगाए, नहीं तो घर आ जाए, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। जी जी चाचू ठीक है। ये क्या किया आपने? अभी पिछले हफ्ते तो ये गई थी कासिम भाई के घर, आपने फिर इजाजत दे दी। क्या हो गया है तुम्हें? वो कासिम साहब के घर जितना जाएगी उतना हमारा ही फायदा है। वे मत भूलो, मेरी दुकान का जो 60% प्रॉफिट है ना, वो कासिम साहब के उन राशनों के पैकेटों की वजह से आता है। क्या समझी? भी अच्छा है, जाएगी हमारा सलाम कहेगी, कासिम साहब को हम याद आएंगे। अरे दुकानदार बता रहे थे कि कासिम साहब की डीलें जो है ना, वो और दुकानदारों के साथ भी बहुत ज्यादा है। सोचो जरा, अगर वो सारी डीलें हमें मिल जाएं, तो हमारे तो फिर वारे न्यारे हो जाएगा, हैं? आप ना रिश्तेदारियों में भी सिर्फ मुनाफा देखते हैं। हाँ देखता हूँ, जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। चाय पी। और जब भी वो कासिम का भी घर जाए ना, उसे रोकना मत, जाने दो।
हेलो स्वीट हार्ट, हेलो। मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है। लॉबी में इंतजार कर रही हूँ, जल्दी नीचे आओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास फालतू वक्त नहीं है, तुम एक काम करो मेरे रूम में आ जाओ। क्या मैं तुम्हारे रूम में क्यों आऊंगी दानिश कमाल? मैं लॉबी में इंतजार कर रही हूँ, तुम खुद नीचे आओ। डर लगता है मुझसे? डर तो तुम्हें किसी से भी नहीं हो सिवाय अल्लाह की जात से। मैं जानता हूँ। अब मैं सब कुछ लेकर नीचे लॉबी में तो आ नहीं सकता हूँ, सब लोग बैठे होंगे। या ऊपर आ जाओ, आराम से बैठ के सब डिलीट कर दूँ। आ जाओ। जब तुम मेरे घर में मेरे हाथ नहीं आई तो ये तो फिर एक पब्लिक प्लेस है, यहां मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? डर क्यों रही? आ जाओ। रूम नंबर याद है ना? आ जाओ। Thank you.
हाँ, वरना क्या करोगी तुम? नहीं घटिया इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है या नहीं? तुमने मुझे कहा था कि 20 लाख रुपए तुम्हें दे दूं, उसके बाद तुम मेरी जान छोड़ दोगे। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। एक मिनट आया, तुम बैठो। जब मैं इस कमरे में नहीं आऊंगा तो मेरा ख्याल है तुम अपने आप को ज्यादा महफूज तसव्वुर करोगी। बैठ, मैं भी आया। आया कि नहीं शानी? एक इस लड़के की मुझे समझ नहीं आती। आइए आइए नवाब साहब, कहाँ रह गए थे? आधा घंटा पहले मुझसे घर से निकले थे, मैं पहुंच गया लेकिन तुम नहीं पहुंचे। कहाँ थे? अब्बा बाइक खराब हो गई थी। अच्छा, बाइक खराब हो गई या आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारते हुए जनाब को एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी है, दुकान तुमने खोलनी थी। मैंने आके दुकान खोली, ये सब बाहर खड़े थे। कब एहसास होगा अपनी जिम्मेदारियों का तुम्हें? वो वसीम के पास गया था मैं रास्ते में। मेरा दुबई का वीजा आ गया, मैं कल जा रहा हूं। क्या आप? इतनी जल्दी? वैसे भी आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान तो पक ही गए थे। अच्छा, अब अपना कारोबार आप खुद ही संभालें, मैं घर जा रहा हूं, सामान बांधना है। अरे वो तो ठीक है कि वीजा बहुत जल्दी आ गया, लेकिन वसीम से कहते टिकट तो थोड़े दिनों बाद की हो सकती थी। नहीं अब्बा, ऐसे नहीं होता, ऐसे कामों में तो ऐसे ही होता है। मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, तीन चार और भी लोग हैं, उनको भी देखूं। अच्छा चलो, जाने से पहले गोदाम में माल आया पड़ा है, वो तो रखवा दो। रखवा देता अब्बा, आप भी क्या याद करेंगे कि अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया, जाते जाते भी उसको निचोड़ रहे हैं पूरा। हाँ भाई, thank you।
कौन? सर ने ऑर्डर किया। जॉब की जरूरत है, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त आपकी कंपनी को मेरी जरूरत है। वक्त के साथ साथ आपको ये बात साबित हो जाएगी। 5 लाख का चेक तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है। I'm so sorry, मैं ये नहीं ले सकता। मुझे लगता है हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि वो लड़का अच्छा था। अरुज, आई थिंक वो गलत नहीं है। अरुज हम सबको धोखा दे रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। इधर आओ, डब्बे इधर रखो, ये वहां रखो। अच्छा, वो बाकी जरा वहां जाके चीजें देखो। हेलो, कैसे हो? मैं अभी बात नहीं कर सकता, थोड़ा मसरूफ। अबे मेरी बात तो सुन ले भाई, आप अपने काम में बिजी हो, आपको यही नहीं पता कि आपकी खूबसूरत बीवी इस वक्त कहाँ है? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं क्या कहना चाहूंगा, जो मैं कहना चाहता था, जो मैं चाहता था, वो पूरा हो चुका है। तुम्हारी खूबसूरत बीवी इस वक्त मेरे साथ है, और मैं क्या चाहूंगा? बकवास बंद करो अपनी। मुझे यकीन था तुम यही कहोगे, लेकिन अगर तुम मुझसे प्रूफ नहीं मांगते ना, तो मैं अपने खूबसूरत लम्हात को बर्बाद करके तुमसे बात नहीं करता। मुझे यकीन है, अभी तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी मेरे साथ है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, फिर तुम्हें यकीन आएगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। हेलो, कैसे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देता अगर तुम मेरी बात का यकीन कर लेते। तुम्हें खुद तकलीफ में आने का शौक है तो मैं क्या कर सकता? सिर्फ 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट। अभी मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी खूबसूरत बीवी से करवाता हूँ, बात भी करवाऊंगा तुम, ठीक है? 2 मिनट। बस We'll be right back.
देखो बहुत हो गया, मैं बहुत देर से तुम्हारी ड्रामेबाजी बर्दाश्त कर रही हूँ। अपना लैपटॉप निकालो अभी के अभी, डिलीट करो वरना। वरना क्या, तुम जब से आई हो वरना 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 किए जा रहे हो, वरना क्या करो। दानिश कमाल मैं तुम्हें आखिरी टाइम वार्न कर रही हूँ। ना मैं अच्छा बताओ ना, वरना क्या करोगी, बताओ ना क्या करोगी, क्या करोगी तुम। अम्मी रमशा कहाँ है? क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों? मैंने आपसे पूछा रमशा कहाँ है? बेटा वो कासिम साहब के घर गई है मिलने। क्या बात है? कासिम साहब को फोन मिला है। भाई आखिर बात क्या है बताएं तो? तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन लेके आओ अपना। जाओ फोन लेके आओ। फोन लेके आओ वरना जोरदार थप्पड़ मारूंगा। बात क्या है शानी, बात तो बताओ क्या है। कासिम साहब फोन में। फोन नहीं उठा रही। अच्छा तुम रमशा को फोन मिला?
लाओ इधर दो। रमशा फोन नहीं उठा रही। हमें सच सच बताएं, रमशा कहाँ है? बेटा मैं सच बता रही हूँ, वो कासिम साहब के घर उनसे मिलने के लिए गई है, मुझे बता के गई है। वो झूठ बोल कर गई है आपसे कि वो कासिम साहब के घर गई है, वो इस वक्त अपने आशिक के पास है। और मैंने खुद देखा है वीडियो कॉल पे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो बहन के सामने, वो भी शर्म नहीं आ रही? मम्मी आज उसे घर आने दे, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे हम इस मीटिंग को बाद में रिज्यूम कर जाए, प्लीज प्लीज। ओके ठीक, सो सॉरी। ओके थैंक यू। ठीक, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है, और ये क्या क्या हो क्या रहा है? मैंने मार दिया उसे, मैंने उसकी जान ले ली अफनान। किसको मार दिया, ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज मुझे मुझे तसल्ली से बताओ क्या हुआ। वो मेरी आंखों के सामने तड़प रहा था अफनान, मैंने उसकी जान ले ली, वो मर चुका है, उसे मार दिया मैंने, उसने मुझे मर गया। रिलैक्स रिलैक्स, तुम यहां बैठो यहां। पुलिस को पता चल जाएगा तो बहुत मसला हो जाएगा, वो मेरे घर वालों को। कुछ नहीं होगा, किसका मर्डर कर दिया है, ये सब कैसे हो? मुझे यहाँ से लेके जाए, मेरी जान खतरे में, आप प्लीज चले जल्दी। अच्छा अच्छा चलो बैठो।